हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेड़ा कुल्फी। पेड़ा कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए शक्कर, दूध, पेड़ा, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर। मैंने 2 ग्लास दूध लिया है और 1 ग्लास मैं डाल रही हूँ, इतना माप लिया है मैंने। चाहिए तो आप इतना तक भी ले सकते हैं या पूरा ग्लास भी भर के ले सकते हैं। मैंने 3 ग्लास लिया है। फ्रेंड्स, अब हम उसको थोड़ा दूध डाल के पतला घोल बना लेंगे। चॉकलेट पाउडर को भी हमने दूध डाल के ऐसे पेस्ट कर लिया है। अब हम दोनों दूध में डालेंगे कोको पाउडर। और चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर 1 टेबल स्पून है और चॉकलेट पाउडर 2 टेबल स्पून डाला है। पेड़े हमारे ऑलरेडी थोड़े स्वीट है तो उस हिसाब से हम शक्कर डालेंगे। एक्चुअली अगर 1 ग्लास में हमें 2 स्पून डालना है, पर अब हम थोड़ा कम डालेंगे। 1-2-4 स्पून डाला मैंने। अगर आपको कम लगेगा तो हम टेस्ट करके वापस हम डाल सकते हैं। अब हम पेड़े को मैश कर लेंगे। ये कुल्फी आपको एग्जैक्ट आपको मटका कुल्फी जैसा टेस्ट लगेगा। अब हम उसको गैस चालू करके गरम कर लेंगे। थोड़ा फास्ट गैस करके हमें कंटिन्यू मिक्स करना है। सब अच्छे से मिक्स होना चाहिए। से देखिए उबाल आ गया है। स्लो रखा है मैंने गैस। स्लो फास्ट करके हम 2 उबाल आने देंगे।
मैं गैस बंद कर रही हूँ। तीन चार बार हमने उबाल आने दिया है, अब हम गैस बंद करके उसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे केसर पेड़ा कुल्फी। हमने दो पेड़े लिए हैं, शक्कर और दूध। फ्रेंड्स, मैंने एक ग्लास दूध लिया है और एक ग्लास में ले रही हूँ, मैंने दो ग्लास लिया है। आपको जितना बनाना है उतना ग्लास आप लीजिए। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। पेड़ा भी स्वीट है, इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून ये लिया है, ये माप का। और उसमें हम पेड़ा मैश करेंगे। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा केसर डाल सकते हैं और इलायची भी डाल सकते हो। इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है फास्ट गैस पर। तीन उबाल आने देंगे। गैस हमें स्लो फास्ट रख करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब उसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो कुल्फी का दूध गर्म किया था वो दोनों ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ग्लास में डालेंगे। मेरे पास मोल्ड नहीं है कुल्फी का, तो मैंने ये प्लास्टिक का ग्लास लिया है, ऐसे वाले। और मैंने इस देखिए स्टिक्स लिया है। और अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आपके पास लाइट वेट का स्पून रहेगा तो आप स्पून भी यूज कर सकते हैं। इसको मिक्सचर में डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इतना भी फिलिंग कर सकते हो या ज़्यादा भी डाल सकते हो ऊपर तक। अब हम फॉइल पेपर लेंगे, फॉइल पेपर से उसको ढक देंगे। जैसे मैं इधर दिखाती हूँ,
प्लास्टिक कप है, इसके लिए स्लो करना है। अब हम इसमें बीच में थोड़ा सा छेद कर देंगे। अब हम स्टिक डालेंगे। ऐसे ही हम पूरे ग्लास में करके रखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, स्लो करना है हमें। अब मैं एक स्पून वाला भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे डाल सकते हो या ऐसे भी डाल के रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब सेट कर लिया है। देखिए ऐसे हमें अभी फ्रीजर में रखना है 8 घंटे के लिए हम रखेंगे। ये हमने प्रोसेस रात को बनाया है, पूरी रात भी आप रख के दूसरे दिन आपको जब भी चाहिए आप निकाल के खा सकते हैं। अब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी। फ्रेंड्स हमारी कुल्फी रेडी है, अब हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम हाथों से ही ऐसे करेंगे, पानी में वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, हथेलियों से ही करेंगे। थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। फ्रेंड्स अगर ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगती है तो आप चाय के छोटे छोटे ग्लास आते हैं उससे भी आप कर सकते हो। फ्रेंड्स चॉकलेट और केसर कुल्फी रेडी है, आप देख सकते हो आराम से इसमें से निकल जाता है, पानी में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने स्पून डाल के बनाई थी केसर कुल्फी, ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।